मैं अंकुर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और आपको सब्सक्राइब करने के लिए एक सेकेंड से भी कम समय लगेगा। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाते हैं। इनमें से कुछ जगहें बेहद खूबसूरत हैं तो कुछ बेहद खतरनाक। कई जगहें ऐसी हैं जहां इंसान जाता तो है लेकिन जिंदा कभी वापस नहीं आता। ऐसी ही एक जगह के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे दुनिया का आखिरी हाईवे माना जाता है। साथ ही इस जगह पर अकेले जाने वाले के साथ ऐसा कुछ होता है कि जानकर आपकी रूह कांप जाए। यह उत्तरी ध्रुव, जो पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है, पर स्थित है। यह वह बिंदु है जहाँ पर पृथ्वी की धुरी घूमती है। इसे नॉर्वे का आखिरी छोर भी कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ से आगे जाने वाले रास्ते को दुनिया का आखिरी रास्ता यानी सड़क माना जाता है। इस सड़क का नाम है 69 हाईवे, जो पृथ्वी के अंतिम छोर और नॉर्वे को आपस में जोड़ती है। दरअसल यह वो सड़क है जहाँ से आगे कोई सड़क ही नहीं है। इस सड़क के खत्म होते ही इसके आगे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी और इसके साथ दिखाई देगी समुद्र की लहरें। इस 69 एक हाईवे है जो करीब 14 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे पर ऐसे कई स्थान हैं जहां अकेले चलना, पैदल चलना या गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है। मतलब यहां जाने के लिए कई लोगों का एक साथ होना जरूरी है। आप अकेले इस सड़क से नहीं गुजर सकते हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी होने के कारण यहाँ खो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण यहाँ का मौसम तो अलग होता ही है, साथ ही यहाँ सर्दियों के मौसम में ना तो रातें खत्म होती हैं और ना ही गर्मियों में सूरज डूबता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी तो यहाँ लगभग 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता। गर्मियों में यहाँ का तापमान औसत जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वही सर्दियों में यहाँ का तापमान -43 डिग्री से -26 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। इस जगह पर एक अलग दुनिया में होने का एहसास होता है। यहाँ पर डूबता हुआ सूरज और पोलर लाइट्स को देखने लोग दुनिया के अलग अलग हिस्से से आते हैं। यही उनका सबसे बेहतर आकर्षण होता है। गहरे नीले आसमान में कभी हरी तो कभी गुलाबी रोशनी सैलानियों का मन मोह लेती है। इन पोलर लाइट्स को अरोरा कहा जाता है, जो रात के समय नजर आती हैं। सबसे खास बात यह है कि इतनी भयानक ठंड पड़ने के बावजूद यहाँ लोग रहते हैं। पहले तो यहाँ सिर्फ मछली का व्यवसाय होता था, लेकिन साल 1930 के बाद से इस जगह का विकास होना शुरू हो गया। 1934 में यहाँ के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि यहाँ पर्यटकों का स्वागत किया जाना चाहिए, ताकि उनकी कमाई में एक अन्य साधन भी शामिल हो जाए। अब दुनिया भर से लोग उत्तरी ध्रुव घूमने के लिए आते हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।